तकलीफ है उसको खत्म किया जा सके। तो अपनी तरफ से हमने बहुत कोशिश की है आप तक अपनी आवाज पहुंचाने की। अगर फिर भी कोई बात समझ नहीं आती तो हमारा चैनल आपके सामने है, आप इस पे आके बात कर सकते हैं। सबसे प्यारी अहदीस की तरफ चलते हैं, एक बेहतरीन अहदीस जिससे मुसीबत आने से पहले ही आपकी टल जाएगी। जो शख्स सदका देता रहता है अपने रिश्ते नाते वाले जो होते हैं, अपने रिश्तेदार जो होते हैं, अजीज व करीब होते हैं, उनको अगर वो अपना सदका वगैरह देता रहता है, सलूक अच्छा करता रहता है, इसकी उम्र को अल्लाह ताला दराज कर देते हैं और इसकी बुराई को हर तरफ से खत्म कर देते हैं, हर तरफ से इसकी जो गुनाह है उसको माफ कर देते हैं जो सदका देता है, और इसकी मुश्किलें परेशानियां आफतें मुसीबतों और इनको दूर कर देते हैं अल्लाह पाक। तो एक बात याद रखें कि सबसे पहले आपका अपने जो अजीज व अकारिब हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपके बहन भाई हैं, उन पर आपका ज्यादा हक है। आप पहले उनसे शुरू किया करें। अगर आपके पास रिजक की बहुत ज्यादा जो है कसरत है तो आप अपने बहन भाइयों को जरूर दिया करें, बल्कि आप उनको सदका ना दिया करें, बल्कि आप उनको खुश होकर दिया करें कि ये मैंने अपने भाई को दिया है, ये मैंने अपनी बहन को दिया है, ये मेरी बहन का हिस्सा है, ये मेरे भाई का हिस्सा है। उनकी तकलीफ को देख के आप जो है लोगों में तकसीम कर दिया करें। तो ये बहुत ये देखें आप आपको पता है आपकी आपकी जो कब्र होगी वो कितनी छोटी सी है, तो आपकी कब्र जो होगी कम अज कम 5 फुट 6 फुट हो जाएगी, चलो ज्यादा से ज्यादा। अब 6 फुट हाँ, सर के नीचे तकिया क्या होता है, तकिया ईंट रख देते हैं और तकिया उसको बना देते हैं। ये हमारी जिंदगी है, ठीक है, ये छोटी सी हमारी जिंदगी है, हम किधर जा रहे हैं। अगर वो थोड़ा सा रिस्क आप अपना अपने जो है अजीजों कारीब रिश्तेदारों में तकसीम कर देंगे, थोड़ी ज्यादा नहीं कहती मैं, कह बस इतना कहती हूँ कि थोड़ा सा आप तकसीम कर दें, तो मुझे ये बताएं कि कोई आपका रिस्क कम नहीं होगा, बल्कि आपका रिस्क बहुत ज्यादा होगा। आप करना आप थोड़ा सा अपना रिस्क लोगों में तकसीम करना शुरू करें, आप फिर देखिएगा कि आप की जो रिस्क की वफर है वो कितनी ज्यादा होती चली जाएगी। आप अगर 10 अल्लाह की राह में देते हैं ना, 10 रुपए, मैं कहती हूँ 1,000 भी कम है, 1 लाख लगा लें, मैं कहती हूँ 1 लाख भी कम है, 1 करोड़ रुपया लगा लें, आपको अगर 10 रुपए अल्लाह की राह में देते हो तो आपको इतने पैसे मिलते हैं, ठीक है। गंदम के दाने को नहीं देखते, आप जमीन में एक दाना लगाते हो तो अल्लाह पाक आपको भर भर बालियां देते हैं, भर भर झोलियां आपको अता करते हैं। तो फिर अल्लाह से तो इतनी तो रखनी चाहिए ना, ये रब ही है जो सबको अता करता है, ये इंसान ही है, जब पैसे आ जाते हैं तो पीछे वो अपने रिश्तेदारों को नहीं देखता। बात लंबी हो गई है और मुझे उम्मीद है मेरे जो सब्सक्राइबर हैं अच्छे वाले उनको समझ आ गई होगी। सबसे प्यारे वजीफे की तरफ चलते हैं, एक मेरी बहन है उनकी फरमाइश पे वजीफा पेश किया जा रहा है। ऐसे उनका वजीफा ये है कि वजीफा करने के लिए वो चाहती है कि जिस घर में वो चाहती है शादी हो जाए, तो वो उसके लिए वो चाहती है कि मैं इस्लामी तरीके से जो है निकाह के साथ जो है अपने घर की हो जाऊं, पसंद की शादी करने के लिए ये वजीफा आज मैं आपको बताऊंगी। वो लोग जो अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं सिर्फ उनके लिए है, माँ बाप भी उनके लिए अच्छा फैसला ही करते हैं, लेकिन ये है कि अगर अब कोई ऐसी शर्मो हया वाली खवातीन होती हैं और भाई हजरात भी होते हैं कि वो चाहते हैं कि बस हमारा जो है हमारे माँ बाप जो है हमारा रिश्ता हमारी पसंद से कर दें जहां हम चाहते हैं, तो आज उसी के लिए मैं आपको वजीफा बताने लगी हूँ। एक सूरह मुबारक है, एक सूरह मुबारक है, सूरह यूसुफ। आपने बस आपने करना क्या है, आप अगर नेट यूज करते हैं ना तो नेट से आप निकाल लें, ठीक है, सूरह यूसुफ निकाल लें, ठीक है, वो आपने लिख लेनी है। मतलब कि आप उसके सूरह यूसुफ के मुकम्मल जो सूरह यूसुफ होती है उसको आप पूरा लिख लें। अगर आप लिख नहीं सकते, अगर आप लिखना नहीं जानते, आप आपको पढ़नी आती है आप पढ़ लें, आपको अगर सुनने के लिए ये है तो आप सुन सकते हैं, ठीक है। अगर देखिए पढ़ने में अगर आपको लगता है ये बहुत लंबी है ये आप नहीं पढ़ सकते, तो आपने सुन लें, आप रिकॉर्डिंग करके MP3 लेके आप उसको सुन लें। 3 दिन 7 दिन मेरी मैं जब भी वजीफा बताती हूँ तो कम अज कम आप 11 दिन वजीफा किया करें। अल्हम्दुलिल्लाह आपका जहां पर आप शादी करना चाहते हैं वहीं से आपका पैगाम अल्हम्दुलिल्लाह आ जाएगा। अब उसका तरीका क्या है, ठीक है, आपने जुमेरात को इसी भी हो जुमेरात वाले दिन आप ये वजीफा शुरू करें। जब आप रात को सोने लगे ना तो ये लगाकर सो जाएं, ठीक है। नंबर 2, आपने दिल में याद करते हुए सो जाना कि अल्लाह पाक उस घर से पैगाम आ जाए,
वो सूरह यूसुफ बेशक एक लाइन चली है, दो चली है, तीन सुनी है, चार, एक रुकू सुना है, दूसरा दो रुकू सुने, जितना भी आपने सुना है आप करके आप सो जाएं, ठीक है। आपने बस रोजाना रिकॉर्डिंग लगा के सुनी है। दुरूद शरीफ आप पहले एक दफा पढ़ लीजिएगा, सुबह उठें दुरूद शरीफ पढ़ लें और अपने लिए दुआ मांग लें कि अल्लाह पाक जिस मकसद के लिए रात को रिकॉर्डिंग लगाई थी वो मकसद मेरा पूरा हो जाए। आप यकीन माने तवक्कल कामिल, मुझ पर तवक्कल ना करें, मैं को सीधा सीख, आप अल्लाह की जात पे तवक्कल करें, अल्लाह के कलाम पर तवक्कल करें और सो जाएं जहां पर आपने रिश्ते के लिए आपने कहा होगा या वहां पर आपकी अम्मी नहीं मान रही, आपके अब्बू नहीं मान रहे, उनका दिल ऐसे मोम हो जाएगा ऐसे जैसे उनसे अच्छा तो कोई रिश्ता दुनिया में आया ही नहीं, ठीक है। अब वो आपने जो है अब 11 दिन के बाद या 15-21 दिन के बाद अगर रिश्ते वाले रिश्ता लेके आ जाते हैं, ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने जैसे वो एंटर हो आपने 111 मरतबा या 72 मरतबा 33 मरतबा अब अल्लाह के दुरूद शरीफ के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ के उन पे फूंक मार देनी है, या जो चीज आप खाने के लिए उनको दोगे उस पे फूंक मार दीजिएगा। वो आपका जब तक यहां शादी नहीं हो जाती वो वहां से हिलने वाले नहीं है और वही बात वो मानेंगे जो आप उनको मनाना चाहेंगे। बहुत प्यारा वजीफा है, जरूर कीजिएगा। अपनी इस बहन को याद रखिएगा, अगर इस्तखारा करवाना चाहते हैं अपने बारे में तो जरूर कोशिश करें और हमसे राब्ता करने की इंशाल्लाह मैं आपकी भरपूर मदद करूंगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। से लोगों की फरमाइश पर कि हमें जादू है, हमें ऐसी परेशानी है, वैसी परेशानी है, तो आज मैं जादू की कुछ अलामतें आपको बताने लगी हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अमूमी अलामतें और खसूसी अलामतें। अमूमी अलामतें जो होती हैं काले जादू का शिकार पाई जाती हैं इंसान के अंदर, और अमूमी अलामतें होती हैं जो आम जादू किया जाता है, यानी कि ख्वाबों में नजर आना और चीजों का नमाया होना, ख्वाब में पेशाब पखाना देखना, अपने जिस्म पर पखाना लगा हुआ देखना, अपने आप को गुसल खाने में देखना और ख्वाब में निजासत और गंदगी देखना, ख्वाब में जना करना या फिर सोहबत करना और नंगा देखना, ख्वाब में डरना, अजीबोगरीब ख्वाब देखना, ख्वाब में कुत्ता देखना, मुर्दे देखना, बिच्छू देखना, सांप देखना, ये सब जो अलामतें हैं ये सब अलामतें जादू की हैं। काला जादू जो आया है वो इंसान जब काला जादू की तरफ मुंतकिल होता है तो वो किसी न किसी से नफरत करता है या उससे बदला लेना चाहता है, और काला जादू तभी इस्तेमाल किया जाता है जब वो ईमान से खारिज हो जाए। आप लोगों को पता भी नहीं होता और आप लोग ईमान से खारिज हो जाते हैं जो लोग जादू करवाते हैं या फिर काला जादू करवाते हैं। जादू कैसा भी हो ईमान से खारिज कर देता। जादू की पहली अलामत जोड़ों में दर्द होना, दूसरी अलामत बदबूदार पखाना आना, पेशाब में बहुत तेज स्मेल हो जाना, पेट का खाया पिया गायब हो जाना, यानी जो कुछ खाया है वो आधे घंटे में खत्म हो जाना, पेट में दर्द महसूस होना, दस्त आना और बदहजमी हो जाना, मैदे में दर्द और मतली होना, बुखार हो जाना, हर वक्त जिस्म में दर्द रहना, दिल का तेज से धड़कना, सांस मुश्किल से आना, सीने में दर्द और जलन का महसूस होना, आंखों के आगे अंधेरा हो जाना और जिस्म की रगों को तकलीफ पहुंचना, नजला जुकाम, इस किस्म की छींकी आना जो पहले आपको कभी भी नहीं आई, अजीबोगरीब सी बदबू आना, खाने में स्मेल हो जाना, नमाज में ना दिल लगना और कुरान पाक पढ़े तो दिल करना कि बंद हो जाए, और पूरे जिस्म का हर वक्त गर्म रहना, नाक का गर्म रहना, तौबा नऊज़ बिल्ला नमाज से दूरी होना और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तौबा नऊज़ बिल्ला नफरत होना, दिल में इस्लाम की इबादत ना होना और इबादत को बुरा समझा जाना, काहली और सुस्ती रहना, हाथ पैर सुन हो जाना, जिस्म पर नीले निशान पड़ते चले जाना, सर भारी रहना, जिस्म में सर्दी का महसूस होना, दिन ब दिन जिस्म का सूखने शुरू हो जाना, बिला वजह थकावट का महसूस करना, बगैर किसी वजह के जिस्म में कमजोरी महसूस करना, खाने से पहले या खाने के बाद मुंह से स्मेल आना और अजीबो गरीब सी स्मेल या बदबू आना, हलक में अजीबो गरीब सी स्मेल का हो जाना और आंखों के सामने गुलाबी या नीले रंग के डब्बे से नजर आना, अजीब सी लाइनें आंखों के सामने, काले रंग नजर आना या स्याह रंग घूमता हुआ नजर आना, जैसे कोई पंखा चल रहा है, हेलीकॉप्टर चल रहा है, अजीबो गरीब सी आवाजें आना, आंखों और के सामने अंधेरा छा जाना, कमजोरी लगना या जमीन पर काले काले धब्बे या काले काले निशान नजर आना, ये सब अलामतें जो हैं काले जादू की हैं, जादू की हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई मसला है इन सब अलामतों में से तो प्लीज हमसे राब्ता करें ताकि हम आपकी मदद कर सकें। आजकल जादू और ये चीजें बहुत आम हो चुकी हैं तो हमारी पूरी कोशिश होगी जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं हम उनको बचा सकें, और कुछ तदाबीर या कुछ चीजें हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अगर आपके साथ ये सब हो रहा है, कारोबार में बंदिश आ रही है, घर में नाचाकी हो रही है, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, कहीं बच्चे बदतमीज
हो रहे हैं, कहीं वालदैन का एहतराम नहीं हो रहा, कुछ भी ऐसा हो, छोटी से छोटी भी परेशानी आपको लाक हो, तो हमारे चैनल पर आकर सब्सक्राइब करके हमसे बात कर सकते हैं। जब किसी पर जादू हो तो बदबू आना शुरू हो जाती है, बेसुकूनी महसूस शुरू हो जाती है, दिल में घबराहट होती है, डर आता है, खौफ आता है और नफरतें पैदा होने लग जाती हैं, अजान से चिड़चिड़ापन होने लगता है, अजान की आवाज से घबराहट होने लगती है, कुरान पाक पढ़ने या सुनने में भी परेशानी होती है, जिस्म में दर्द शुरू हो जाता है, दवाइयां मेडिसिन असर करना छोड़ देती हैं, या किसी भी किस्म की दवाई आप खाते हैं तो कोई असर नहीं होता, हर काम में जल्दी हो जाना, हर काम की जल्दी होने की आरजू करना, कोशिश करना, दुकान पे अगर कोई चीज लेने जा रहे हैं तो इंतजार करने से परेशान होना, लड़ना झगड़ना या फसाद करना और बेचैनी महसूस करना, इंतजार ना करना, जिस्म में कीड़े से काटना, जब गौर करो तो कुछ भी ना नजर आना, ये सब अलामतें जादू की हैं। सर में दर्द रहना, कमर में दर्द रहना, घुटनों में दर्द रहना, पाँव में दर्द रहना, जिस्म के हर हिस्से में दर्द और तकलीफ होना, आंखों के आगे जलन और सुर्ख रंग रहना, और बार बार आपको ऐसे महसूस होना जैसे आपको कोई झटका दे रहा है या कोई धक्का दे रहा है, इस तरह की अलामतें भी जादू की अलामत। आप सबसे गुजारिश है जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगर आपके साथ इस तरह की परेशानी है तो हम आपकी भरपूर मदद कर सकें। और रही बात गैबी मोकल की, तो आज मैं आपको गैबी मोकल के बारे में भी बता देती हूँ। अमल आपने कुछ भी नहीं करना होता, आपको एक रिकॉर्डिंग दी जाएगी, वो आपने सुननी है, और 3 से 7 दिन में मोकलीन का आना जाना शुरू हो जाता है, ख्वाब में आना जाना शुरू हो जाता है, फिर आपके आसपास ऐसे लगता है जैसे कोई ना कोई रूहानियत जाहिर हो रही है। गैबी मोकल का ये अमल है। गैबी अमल मोकल के अमल में पहले आपको इस्तखारा करवाना पड़ता है, फिर हम आपकी तरफ मोकल को भेजते हैं, पढ़ाई हम करते हैं, मोकल आपकी तरफ हाजिर होते हैं, ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग दी जाती है, वो आप सुनते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है मोकलीन की हाजिरी होना शुरू हो जाती है। फायदा उसका ये है कि आपका रूहानियत में भरपूर मदद करते हैं, आपके हर काम में मदद करते हैं, छोटे से छोटे काम में आपकी मदद करते हैं, आपकी मुश्किलें आसान करते हैं, कोई भी दुआ हो उसकी कबूलियत अल्लाह पाक से करवाते हैं, और आपके ऊपर कभी कोई जादू नहीं कर सकता, कोई साहिर नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, आपकी भरपूर मदद करते हैं। गैबी मोकल आपको रिजत से बचाते हैं अगर अमलियात करते हैं तो, गैबी मोकल अमलियात में कामयाबी के लिए आपके साथ देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो गैबी मोकल का अमल जरूर करें। अमलियात से पहले आपसे गुजारिश की जाती है अगर अमल करना चाहते हैं तो गैबी मोकल का अमल पहले करें। आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम, आपकी वालदा का नाम आप जरूर सेंड करें ताकि आपका इस्तखारा पहले किया जाए। बहुत से लोगों की गैबी मोकल में जो है मेल्स आई, लेकिन जिस जिसका नसीब था, ये जिस जिसके नसीब में पढ़ाई थी, हमने सिर्फ उनको दिया है। तो अगर आप भी अमल में शामिल होना चाहते हैं, गैबी मोकल का अमल लेना चाहते हैं, तो आप भी भरपूर हिस्सा लें, इंशाल्लाह आपके साथ भी आपका हिसाब किया जाएगा, इस्तखारा किया जाएगा। अगर आपको अल्लाह पाक ने इस चीज का शर्फ दिया है तो जरूर आप ये अमल करें।